दोस्तों, हॉरर फिल्मों में जब भी एक फैमिली किसी नए घर में जाती है तो उनके साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होने लग जाती हैं, और ऐसा ही कुछ वी आर नॉट अलोन मूवी में भी होता है जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। ये एक पेरुवियन हॉरर मूवी है जिसका ओरिजिनल टाइटल था नो इस्तामोस सोलोस। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी जानते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम मैटियो, उसकी फियांसे मोनिका और मैटियो की 8 साल की बेटी सोफिया से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिन्होंने रिसेंटली अपने नए घर में शिफ्ट किया था। ये घर मेन सिटी से काफी दूर था और इसीलिए इनके लिए ये एक वेकेशन होम की तरह था। सोफिया की छुट्टियां चल रही थी और मोनिका एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी जो कि इस जगह की सीनिक ब्यूटी को एक्सप्लोर एंड कैप्चर करने में लगी थी। तो अगली सुबह जब मैटियो काम पे निकल जाता है तो मोनिका सोफिया से बॉन्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों सोफिया अपनी मॉम की डेथ के बाद से ही अपने डैड के लिए पजेसिव हो गई थी और मोनिका का उनके लाइफ में आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इनफैक्ट सोफिया मौके ढूंढने लग गई थी टू सेपरेट मैटियो एंड मोनिका। सोफिया मैटियो से मोनिका के बारे में झूठ बोल के और डिफरेंट तरीकों से उन दोनों के बीच डिस्टेंसेस लाने की कोशिश करती रहती थी। अब हालांकि मोनिका को सोफिया के इंटेंशंस के बारे में पता था, लेकिन वो इसे ओवरसी करती थी क्योंकि वो जानती थी कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ को खो देना कितना मुश्किल होता है। एनीवेज, आगे की कहानी में हम देख पाते हैं कि सोफिया को अपने रूम के क्लोजेट में एक म्यूजिक बॉक्स मिला था जिसे उसने अपने क्लोजेट में ही छिपाकर रख दिया था। रात होते ही उस क्लोजेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और स्टेयरकेस के नीचे वाली दीवार पर ऐसी आवाज आने लगती है एज इफ कोई अपनी नेल से उस दीवार को स्क्रैच कर रहा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग लिविंग रूम में फर्नीचर अरेंज करते वक्त मोनिका को सोफिया के फुटस्टेप्स की आवाज आती है, लेकिन सोफिया कहीं दिखाई नहीं देती। मोनिका सोफिया के रूम की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी जिस सोफा का कवर हटाया था वो अपने आप फिर से कवर हो गया था। अब मोनिका को अपने आसपास से ही कहीं किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है, एंड एज एन ऑडियंस हम मोनिका के ठीक पीछे एक ब्लैंकेट से कवर्ड किसी बच्चे को खड़ा देखते हैं। मोनिका को लगता है कि सोफिया इस ब्लैंकेट को ओढ़ कर खड़ी है, बट ब्लैंकेट को हटाने पर वो देखती है कि ये तो दरअसल में एक लैंप था। इससे मोनिका काफी घबरा जाती है और आसपास बच्चों की हंसने की आवाज तेज हो जाती है और डोर भी अपने आप लॉक हो जाता है, जिसके बाद लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। मोनिका यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे धक्का देकर गिरा देता है और अब मोनिका श्योर हो जाती है कि ये सब सोफिया की ही कोई शरारत है। लेकिन तभी सोफिया बाहर से आकर उस रूम का डोर ओपन करती है, विच मीन्स कि सोफिया तो इस रूम में थी ही नहीं। मोनिका जब मैटियो के आने पर उसे ये सब बताती है तो वो सोफिया को ही डांटने लगता है। सोफिया एकदम सच बताती है कि वो तो यहाँ थी ही नहीं, लेकिन मैटियो से वो ऑलरेडी इतनी बार झूठ बोल चुकी थी कि मैटियो को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। मोनिका को गिरने से चोट लग गई थी और इसी वजह से उसे रात को नींद भी नहीं आ रही थी, और रात को ठीक 3 बजे उसे अपने रूम के बाहर किसी बच्चे की शैडो दिखती है और ये कोई और नहीं बल्कि सोफिया थी। दरअसल सोफिया को नींद नहीं आ रही थी बिकॉज उसे अपने रूम में कुछ हलचल महसूस हो रही थी, जिससे वो एकदम डरी हुई थी। मोनिका सोफिया को कंफर्ट करने लगती है और मैटियो भी उठ जाता है, एंड ठीक इसी समय उन लोगों को नीचे वाले रूम से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं एज इफ सामान वगैरह गिर रहा हो। वो लोग नीचे जाते हैं पर यहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता, ऑल्दो टेबल पे लगी उनकी सारी फोटोज गिरी हुई थी। मैटियो को लगता है कि कोई चोर उचक्का उनके घर में एंटर कर गया है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है, लेकिन पुलिस की कोई भी कार नियर बाय पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी, इसीलिए उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ मोनिका को स्टेयरकेस के पास वाले दीवार पर कुछ स्क्रैचेस दिखाई देती हैं और साथ ही वहाँ एक होल भी था। होल के थ्रू अंदर देखने पर उसे ऐसा लगता है कि वॉल के पीछे कुछ तो है। मैटियो और मोनिका इस वॉल को फौरन तोड़ते हैं, एंड एज एक्सपेक्टेड इट वॉज ए फॉल्स वॉल जिसके पीछे बेसमेंट में जाने का रास्ता था। बेसमेंट जाने पर उन्हें ढेर सारा पुराना सामान पड़ा हुआ मिलता है और मोनिका की नज़र इस बेसमेंट की सीलिंग पर जाती है जहाँ उसे एक सिंबल बना हुआ दिखाई देता है, विच वॉज काइंड ऑफ वियर्ड। सोफिया भी यहाँ आ जाती है और इस सामान में से उसे एक रेड बॉल मिलता है जिसे उठाकर वो अपने पास रख लेती है। ये तीनों बेसमेंट से बाहर जाने लगते हैं और इनके पीछे पीछे हम एक घोस्टली फिगर को देखते हैं जो उसी बेसमेंट से बाहर उनके साथ आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम राफेल नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ एक कॉफी शॉप में बैठकर बात कर रहा था। इसी दौरान राफेल का ध्यान अपने पीछे बैठे 2 पुलिस ऑफिसर्स की बातों पर जाता है जो कि उस घर की बात कर रहे थे जहां मोनिका और मैटियो रह रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स की बातों से हमें पता चलता है कि उस घर से कई बार पहले भी ऐसी कॉल्स आई हैं जहां लोगों ने किसी के प्रेजेंस होने की बात बताई है और वो घर हॉन्टेड है।
ऑफिसर्स की बात सुनकर रफेल थोड़ा घबरा से जाता है और यहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ घर में मोनिका अपने लैपटॉप में मैटियो की कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह चेक कर रही थी जो उसने यहाँ आने के बाद ली थी। मोनिका इन फोटोज को देख ही रही थी कि तभी मैटियो यहाँ आ जाता है जो कि ऑफिस के लिए रेडी हो गया था। मोनिका और मैटियो कुछ बात करने लगते हैं और एज एन ऑडियंस हम यहाँ मोनिका के लैपटॉप पर मैटियो की एक फोटो देखते हैं जिसमें मैटियो के ठीक पीछे किसी बच्चे की घोस्टली फिगर साफ विजिबल थी। रात को मैटियो लेट आने वाला था इसलिए मोनिका और सोफिया डिनर कर लेते हैं और मोनिका सफाई वगैरह में लग जाती है कि तभी उसे बेसमेंट के पास से कुछ नॉइज आती है, जहां जाकर वो देखती है कि बेसमेंट का डोर खुला हुआ था। बेसमेंट में रखे उस ट्रंक से मोनिका को किसी बच्चे द्वारा पेंट की गई कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस मिलती हैं और उस ट्रंक के ठीक पीछे वाले दीवार पर भी किसी बच्चे द्वारा बनाई गई ड्राइंग थी जिसमें एक औरत फांसी से लटकी हुई थी और उसके बगल में लिखा हुआ था मामा। तभी अचानक ही बेसमेंट का बल्ब फूट जाता है और मोनिका लाइटर की मदद से रोशनी करने का ट्राई करती है। अब मोनिका जैसे ही लाइटर ऑन करती है, एज एन ऑडियंस हम मोनिका के ठीक पीछे एक घोस्टली फिगर को नोटिस करते हैं जो कि लाइटर को फूंक कर बुझा देती है। मोनिका को वो घोस्टली फिगर दिखती तो नहीं लेकिन उसे काफी डर लगने लग गया था, इसलिए मोनिका भागकर बेसमेंट से बाहर आती है और वो सोफिया को आवाज लगाती है। हम सोफिया को अपने रूम में देखते हैं जो कि उसी रेड बॉल से खेल रही थी। सोफिया मोनिका के बुलाने पे उसके पास चली जाती है और सोफिया के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि अंधेरे में से एक हाथ बाहर आता है जो कि उस बॉल को अपने पास खींच लेता है। खैर, मैटियो के वापस आते ही मोनिका उससे इस घर के बारे में बात करती है और वो उसे बताती है कि उसने यहाँ किसी की प्रेजेंस फील करी है। मोरओवर उसने बेसमेंट में कुछ अजीब ड्रॉइंग्स को देखा है। नाउ लाइक अ टिपिकल हॉरर मूवी, मैटियो मोनिका की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो उस रात सोफिया के रूम में रखा फैमिली फोटो अपने आप क्रैक कर जाता है और सोफिया को अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आती है। नीचे देखने पर उसे दूसरी तरफ किसी के पैर दिखाई देते हैं लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसके बाद सोफिया के बेड पे वो रेड बॉल अपने आप कहीं से आ जाती है जिसके बाद वो म्यूजिक बॉक्स भी अपने आप ही प्ले होने लगता है। सोफिया मैटियो को आवाज लगाती है लेकिन मैटियो सोफिया पे ही गुस्सा हो जाता है और उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। अब नेक्स्ट सीन में हम सोफिया को अपने टॉयज के साथ खेलते हुए देखते हैं और वो खेलते खेलते उसी बेसमेंट में चली जाती है। यहाँ सोफिया को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ सुनकर सोफिया बेसमेंट के एक कॉर्नर में जाती है जहाँ एक छोटा बच्चा बैठकर रो रहा था। अब जैसे ही सोफिया इस बच्चे के पास जाकर इसका चेहरा देखती है वो एकदम शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो एक घोस्ट था। जी हाँ दोस्तों, सोफिया किसी तरह भागकर लिविंग रूम में आ जाती है और वो एक कॉर्नर में छिप जाती है। दूसरी तरफ हम रफेल को देखते हैं जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड स्केचेस वगैरह चेक कर रहा था और यहाँ रखी फोटोज से हमें पता चलता है कि वो उसी घर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था जहाँ मोनिका और मैटियो रुके हुए हैं। रफेल इस फोटो को ऐसे देख रहा था एज इफ इस घर से उसका कोई कनेक्शन है और रात को भी हम रफेल को इसी घर के पास से गुजरते हुए देखते हैं। वहीं घर के अंदर मोनिका जो कि सो रही थी उसकी आंख अचानक ही खुल जाती है और वो काफ़ी वाइल्डली बिहेव करने लगती है। वो जानवरों जैसी आवाज़ निकालते हुए मैटियो को स्क्रैच कर देती है और मैटियो किसी तरह मोनिका को संभालता है जिसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि वो लोग अब इस घर में नहीं रुकने वाले। एनीवेज, मॉर्निंग में मोनिका अपनी क्लिक की हुई इमेजेस को देख ही रही थी कि उसे मैटियो की उसी इमेज पर ध्यान जाता है जिसमें उसके बैकग्राउंड में वो घोस्टली फिगर नजर आ रही थी। यहाँ सोफिया जो कि अपने रूम में थी उसे अपने रूम के क्लोजेट से कुछ आवाज़ आती है एंड जब वो क्लोजेट ओपन करती है तब कोई उसे क्लोजेट के अंदर खींच लेता है जिसके बाद क्लोजेट का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। सोफिया जोरों से चिल्लाती है और मोनिका उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ आ जाती है और किसी तरह उसे बचा लेती है। अब क्लोजेट के ब्रोकन मिरर के पीछे मोनिका वही अजीब सा सिंबल नोटिस करती है जो कि उसने बेसमेंट की सीलिंग पर नोटिस किया था। मोनिका उसी वक्त चर्च में कॉल करती है और शाम में चर्च से फादर आते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि फादर रफेल था। जी हाँ दोस्तों, रफेल मैटियो मोनिका को बताता है कि उसने अभी के लिए तो इस घर को प्यूरिफाई कर दिया है लेकिन मैटियो को जल्द ही अपनी फैमिली के साथ ये घर खाली कर देना चाहिए। अब मैटियो को रफेल की बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि रफेल उसे और उसकी फैमिली को जानकर डरा रहा है ताकि वो उनसे पैसे ठग सके, इसीलिए मैटियो रफेल पर ही गुस्सा हो जाता है और उसे घर से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद मैटियो मोनिका पर भी गुस्सा होता है कि उसे इस तरह की सुपरस्टिशियस बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मोनिका मैटियो को उसकी वो फोटो दिखाती है जिसमें पीछे हम घोस्ट को देख पाते हैं और इस फोटो को देखकर मैटियो एकदम चौंक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मैटियो को इंटरनेट पे इस घर के बारे में सर्च करते हुए देखते हैं जहां उसे यहां की एक डार्क सीक्रेट पता चलती है।
दरअसल कुछ साल पहले यहाँ रिकार्डो नाम का एक आदमी अपने वाइफ और अपने 6 साल के बेटे को मार दिया था, जिसके बाद से यहाँ कई बार कई लोग रहने आए और सभी ने कहा कि उन्हें यहाँ इविल एंटिटी की प्रेजेंस फील हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी रहने आए थे जिसे इस घर में किसी स्पिरिट की प्रेजेंस फील हुई थी और एक दिन अचानक उनकी लाश इस घर से बरामद हुई। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का बेटा और कोई नहीं बल्कि फादर राफेल था। ये सब पता लगते ही मैटियो फौरन राफेल के पास जाता है, जहां राफेल बताता है कि उस घर में विक्टोरिया और गैब्रियल नाम के लोगों की स्पिरिट्स रह रही हैं। विक्टोरिया को उसके हस्बैंड ने धोखा दिया था, जिसके बाद वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई थी और तब से ही वो उस घर में आने वाले किसी भी इंसान, स्पेशली आदमी को जिंदा नहीं छोड़ती है। राफेल मैटियो को बताता है कि मोनिका की स्लीपिंग पैटर्न में चेंज और भूख प्यास मिट जाना, ये दोनों ही पजेशन की निशानी है। राफेल बताता है कि वो उस घर की स्पिरिट्स को हरा तो नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने उसे कैद जरूर कर दिया था विद द हेल्प ऑफ ए सेक्रेट सिंबल। अब यहाँ राफेल मैटियो को वही सिंबल दिखाता है जो कि मोनिका ने उस घर में कई बार नोटिस किया था। राफेल कहता है कि जाने अनजाने में मैटियो और मोनिका ने उस सिंबल को अनकवर कर दिया है, जिसके बाद वो स्पिरिट्स फ्री हो गई हैं। यहाँ राफेल और मैटियो बात कर ही रहे थे कि इसी बीच हम मोनिका को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सो रही थी। उसके ऊपर एक डिमोनिक एंटिटी होवर करती है, जिसके बाद मोनिका एकदम पजेस्ड हो जाती है। पजेस्ड स्टेट में वो एनिमल्स की तरह ग्राउल करने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर सोफिया भी उठ जाती है। स्टेयर्स के पास सोफिया को अपनी तरफ वही रेड बॉल आती हुई दिखती है, जिसके बाद सामने रखा होली क्रॉस अपने आप ही टूट जाता है। सोफिया बहुत डर जाती है और रूम के कॉर्नर में जाकर छिप जाती है, जिसके बाद वो मैटियो को कॉल करके जल्दी से घर आने के लिए कहती है। यहाँ मैटियो सोफिया के कॉल से एकदम घबरा जाता है और वो राफेल के साथ फौरन घर के लिए निकल जाता है। राफेल मैटियो को कार में बताता है कि वो कोई एग्जॉसिस्ट नहीं है, जिस वजह से वो उन स्पिरिट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ देर तक उन्हें होल्ड जरूर कर सकता है और इसी दौरान मैटियो को अपनी फैमिली के साथ उस घर से निकलकर भागना होगा। मैटियो और राफेल घर पहुंचते हैं, जहां मैटियो सोफिया को ढूंढ लेता है और इसके बाद वो लोग मोनिका के रूम की तरफ जाते हैं। रूम में एंटर करते ही वो लोग देखते हैं कि मोनिका का बेड हवा में लेविटेट कर रहा था और अचानक ही मोनिका उन दोनों के पीछे पजेस्ड स्टेट में अपीयर हो जाती है। मोनिका मैटियो पे अटैक कर देती है और राफेल किसी तरह मोनिका को बस में करने की कोशिश करते हुए उसके ऊपर होली क्रॉस और होली वाटर छिड़कते हैं। ऐसा करने से वो थोड़ा काम होती है और राफेल और मैटियो उसे बेड से बांध देते हैं। राफेल मैटियो से कहता है कि उसे मोनिका का नाम जोर जोर से पुकारना होगा ताकि मोनिका की ओरिजिनल स्पिरिट उनकी बात सुन पाए। मैटियो ऐसा करता है और मोनिका आवाज भी देती है, लेकिन फिर वो डिमोनिक स्पिरिट उसको रिप्लेस कर देती है। इसके बाद मोनिका के अंदर से सोफिया की डेड मदर की आवाज आने लगती है, जो कि सोफिया को अपनी तरफ बुलाने लगती है। राफेल समझ जाता है कि ये उस स्पिरिट की एक चाल है और वो मैटियो और सोफिया को मोनिका से दूर रहने के लिए कहता है। राफेल मंत्र चांट करने लगता है, लेकिन उस स्पिरिट पे कोई खास असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक ही वो स्पिरिट मैटियो को चोक करने लग जाती है और ऐसे में मैटियो चोक करता हुआ सीलिंग तक हवा में उड़ जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि राफेल विक्टोरिया के स्पिरिट से बात करते हुए उसे समझाता है कि मैटियो उसका हस्बैंड रिकार्डो नहीं है, तो उसे मारकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला। राफेल पूरी कोशिश करता है कि वो एग्जॉसिज्म स्टार्ट कर दे, लेकिन अब विक्टोरिया की स्पिरिट राफेल को इमोशनली अटैक करती है, सेइंग कि वो कितना स्पाइनलेस है और वो अपने डैड की हेल्प नहीं कर पाया। इसके जवाब में राफेल विक्टोरिया को बोलता है कि स्पाइनलेस और कावर्ड तो वो खुद है, जो कि अपने बच्चों को नहीं बचा पाई और अब इनोसेंट लोगों की जान ले रही है। ये सुनते ही विक्टोरिया मोनिका की बॉडी को छोड़कर अपीयर हो जाती है और राफेल पे अटैक करके उसे मार देती है। ऐसे में मोनिका होश में आ चुकी थी और अब मैटियो और सोफिया उसे लेकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन विक्टोरिया मैटियो को जकड़ लेती है और मैटियो मोनिका और सोफिया को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। सोफिया को एक स्पिरिट बेसमेंट में खींचने लगती है, लेकिन मोनिका उसे बचा लेती है और वो दोनों किसी तरह घर से बाहर भाग जाते हैं। यहाँ आकर वो दोनों ऊपर की विंडो पर विक्टोरिया की स्पिरिट को देखते हैं, जो कि उन्हें ही घूर रही थी। मैटियो ने सोफिया और मोनिका को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था और अब मोनिका एंड सोफिया एक होटल में जाकर रुक जाते हैं। यहाँ वो दोनों अपने रूम में सो ही रहे थे कि तभी हम एक बार फिर वही रेड बॉल रोल होते हुए देखते हैं, विच मीन्स कि भले ही विक्टोरिया की स्पिरिट उसी घर में रह गई थी, लेकिन वो लोग अपने साथ शायद गैब्रियल की स्पिरिट ले आए थे। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी के एंडिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिकली जिस घर में मोनिका और मैटियो शिफ्ट हुए थे, उसकी एक डार्क हिस्ट्री थी, जहां रिकार्डो नाम के एक आदमी ने अपनी वाइफ विक्टोरिया और अपने बेटे गैब्रियल को जान से मार डाला था और इसके बाद से विक्टोरिया और गैब्रियल की स्पिरिट यहां रह गई। विक्टोरिया हर फैमिली की लेडी को पजेस कर लेती थी एंड देन उसके हाथों उसके मेल सदस्य को जान से मार देती थी। अब मूवी में पहले की किसी स्टोरी की डिटेल तो नहीं दी गई है, लेकिन सोफिया को बेसमेंट में गैब्रियल की स्पिरिट मिली थी
और वहीं पे वो सिंबल भी था, विच मीन्स कि गैब्रियल का मर्डर वहीं हुआ था। सिमिलरली मोनिका को सेम सिंबल उस क्लॉजेट में दिखा था, विच माइट मीन कि रिकार्डो ने विक्टोरिया को जान से मारकर उसी क्लॉजेट में छिपा दिया था। नाउ राफेल ने मेंशन किया था कि मोनिका की फैमिली ने उस घर में उस सिंबल को अनकवर कर दिया था जिससे वो स्पिरिट्स फ्री हो गई थी, एंड हो सकता है कि सोफिया ने जो म्यूजिकल बॉक्स उठाया था उसी से ऐसा हुआ हो। वेल, एक और बात जो मूवी में क्लियर नहीं की गई है वो ये कि आखिर रिकार्डो के साथ क्या हुआ था और उसने अपनी फैमिली को क्यों मार डाला। वेल, ऐसा हो सकता है कि रिकार्डो इनहेरेंटली एक बुरा इंसान होगा या फिर वो भी किसी स्पिरिट के कंट्रोल में ये सब किया होगा। इन दैट केस इस घर की और भी बड़ी हिस्ट्री हो सकती है जहाँ कुछ हॉन्टिंग्स होंगी, किलिंग्स होंगी एंड वॉट नॉट, और इन सब के बारे में हमें शायद इसकी अगली फिल्म में ही पता चल पाएगा। तो बस यही थी वी आर नॉट अलोन मूवी की कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।